نحمد نصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله رب العالمين डियर स्टूडेंट, हम केमिस्ट्री सेकेंड ईयर को पढ़ रहे थे, तो आज सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 को हमने स्टडी किया हुआ है। तो आज इस टॉपिक को हम डिस्कस करना चाहते हैं, वो है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर ट्रेंड इन प्रायोरिटी टेबल। तो व्हाट इज मेटल, सबसे पहले क्वेश्चन आता है मेटल क्या चीज़ होती है। तो मेटल्स की बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं। आमतौर पर ऐसी सब्सटेंस जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए उसे मेटल कहते हैं, जो मैलिएबल हो, डक्टाइल हो। लेकिन इन लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री हम मेटल उसको कहते हैं कि एनी एलिमेंट विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। हर वो मेटल जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और इसके बाद वो पॉजिटिव आयन बना सकता है, यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होगा, दैट इज नोन एज ए मेटल। जस्ट लाइक सोडियम, जैसे सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, इसने जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इट इज नोन एज ए मेटल। जस्ट लाइक पोटाशियम, मैग्नीशियम, सीजियम, कैल्शियम, ये इन सब चीज़ों को हम मेटल का नाम देते हैं। हमारे पीरियडिक टेबल के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड के एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मेटल्स हैं। लोअर डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तमाम एलिमेंट्स मेटल हैं, और पी ब्लॉक के जो लोअर साइड के ऊपर मौजूद एलिमेंट होते हैं वो भी हमारे पास सारे के सारे मेटल हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास पीरियडिक टेबल है। तो पीरियडिक टेबल में 3 तरह के एलिमेंट्स होते हैं, एक मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड। हाइड्रोजन के अलावा ये जो हाइड्रोजन है ये एक नॉन मेटल है एट गैसियस स्टेट। अगर इसे गैसियस स्टेट के अंदर देखते हैं तो ये नॉन मेटल है। अगर हाइड्रोजन को लिक्विड या सॉलिड के अंदर तब्दील कर लिया जाए तो ये मेटालिक करेक्टर देता है। तो ये सारे मेटल्स हैं, ये भी मेटल्स हैं, ये सारे मेटल्स हमारे पास आ जाते हैं, और ये ग्रुप वाले भी सारे मेम्बर जो होते हैं लोअर साइड वाले वो मेटल्स होते हैं। और ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स, ये भी हमारे पास मेटल हैं, जबकि कुछ मेंबर जैसे सिलिकॉन है, एलुमिनियम है, जर्मेनियम है, ये हमारे पास मेटलॉइड्स होते हैं, जबकि अपर मेंबर्स कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नियान, आर्गन, ये सारे के सारे जो हैं ये नॉन मेटल्स होते हैं। अब मेटल्स जो होते हैं, ऑल मेटल्स आर सॉलिड। जितने भी मेटल्स पीरियडिक टेबल के अंदर हमारे पास हैं या कुदरती तौर पर पाए जाते हैं वो सारे सॉलिड स्टेट के अंदर मिलते हैं। सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है जो Hg मरकरी है, वो लिक्विड स्टेट के अंदर हमें मिलता है। मेटल की खसूसियात क्या होती हैं, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स के अंदर से हीट गुजर जाती है। ये भी अक्सर शार्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो आमतौर पर मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर फ्रीली टू मूव, यानी ये हीट को लेके आगे जाते हैं, आगे वाले इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं वो इस हीट को आगे लेके चलता है। इस तरीके से ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं ये मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, इससे आप तारे भी बना सकते हैं, वर्क भी बना सकते हैं। मोस्टली मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, एनोड के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स, मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं अगर आप इन्हें पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये बेस बनाते हैं। बेस यानी ऑक्साइड्स ऑफ मेटल ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर दे फॉर्म बेस, तो ये बेसिस बनाएंगे। जैसे NO2 है, सोडियम ऑक्साइड है, जब पानी के अंदर हम इसे डिसॉल्व करते हैं तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। हमारे पास जितने भी मेटल्स होते हैं दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी मेटालिक करेक्टर उसके अंदर उतना ज़्यादा होगा। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो मेटालिक करेक्टर कम होगा। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जितनी कम होती है दैट एलिमेंट इज ए मोर मेटालिक। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास सबसे अच्छा मेटल जो है वो सीजियम है, क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे कम है। आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। अब नॉन मेटल क्या होते हैं, इस स्पीशीज विच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ऐसी स्पीशीज जिसके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसे हम नॉन मेटल कहते हैं। जैसे ये ए है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया गया तो ये A9 बन गया, ये नॉन मेटल है। ऐसे ये क्लोरीन है, क्लोरीन एटम है, जब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो ये क्लोराइड आयन बनता है। तो ये हमें बता रहा है कि ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है वो नॉन मेटल कहलाती है। जितने भी नॉन मेटल होते हैं दे आर मोस्टली गैसेस, वो सारे की सारी गैसेस होते हैं। जैसे हमारे पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है,
हीलियम नियान आर्गान है, मोस्टली आर गैसेस, लेकिन कुछ ऐसे भी नॉन मेटल्स हैं विच आर लिक्विड, जैसे ब्रोमीन जो होती है ये कैसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट के अंदर पाया जाता है। जो सॉलिड स्टेट के अंदर हमें नॉन मेटल मिल रहे हैं वो कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है। तकरीबन पीरियड टेबल के अंदर 17 के करीब जो है वो नॉन मेटल्स होते हैं। अब जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो नॉन मेटल जो होते हैं ये नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए ये नॉन कंडक्टर जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं, एक्सेप्ट दैट ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के अलावा। ऑल नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तमाम नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ऑक्सीडेशन के अंदर मदद करते हैं। ऑल नॉन मेटल्स आर यूज एज ए कैथोड, वो कैथोड के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसे हम डिफाइन करते हैं विच हेल्प इन प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। ऐसे सब्सटेंसेस जो ऑक्सीडेशन के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं तो उसे हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम देते हैं। अब जैसे ये रिएक्शन है, ये सोडियम है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सोडियम डोनेट करता है क्लोरीन को, तो इस तरीके से सोडियम की जो है वो ऑक्सीडेशन होती है, तो क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन सोडियम से लिया, तो इसलिए हम क्लोरीन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम देते हैं। अब ये जो सोडियम है इसने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के अंदर ऐड हो गया, तो इस अमल को रिडक्शन कहते हैं, तो सोडियम इज यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये रिड्यूसिंग एजेंट, तो मेटल्स जो होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, ये आमतौर पर एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं अगर आप इन्हें पानी के अंदर डिजॉल्व करते हैं, जैसे SO3 है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, अगर इसे पानी के अंदर डाला जाए तो ये H2SO4 बनता है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर इसे पानी के अंदर हम हल करते हैं तो इट फॉर्म कार्बोनिक एसिड। अगर किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा है तो वो मोर नॉन मेटैलिक करैक्टर होगा। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू होती है उतना ज़्यादा हमारे पास वो एलिमेंट नॉन मेटैलिक होगा। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है वो एटॉमिक साइज पे डिपेंड करती है। अगर कोई एटम छोटे साइज का है तो उसका नॉन मेटैलिक करैक्टर ज़्यादा होता है, जो बड़े साइज का एटम होगा उसके अंदर नॉन मेटैलिक करैक्टर जो है वो कम है। एंड नॉन मेटैलिक करैक्टर इन पीरियोडिक टेबल, के पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटैलिक और नॉन मेटैलिक करैक्टर कैसे तब्दील होता है। तो ये हमने फर्स्ट ग्रुप देखे, ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है, हाली ने की रब से फरियाद, तो ये लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम है। अब जैसे जैसे आप टॉप से बॉटम की तरफ अगर मूव करते हैं तो मेटैलिक करैक्टर इंक्रीज होता है, क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो कम होती है, इनका साइज इंक्रीज होता है। तो लिथियम जो है वो इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता एज कम्पेयर टू सीजियम। सीजियम जो होगा वो बहुत जल्द इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखता है। तो हमारे पास इस ग्रुप का मेटैलिक करैक्टर ये होगा, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम। अगर MCQs में आ जाता है कि इनमें से मसलन ये लिथियम है, सोडियम है, ये पोटाशियम है और ये सीजियम है, तो विच इज ए मोर मेटैलिक इन करैक्टर, तो पहले नंबर पे ये मोर मेटैलिक करैक्टर होगा, फिर पोटाशियम है, लास्ट में लिथियम। ऐसे अगर हम ग्रुप 2 को देखना चाहते हैं तो इसमें भी यही ट्रेंड है कि बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, तो टॉप से बॉटम की तरफ अगर आप मूव करते हैं तो मेटैलिक करैक्टर इंक्रीज होता है, क्योंकि एटॉमिक साइज जो होगा वो इंक्रीज हो रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो कम हो रही है। ग्रुप 3 ए जो होता है इसके अंदर हमारे पास मेटल, मेटलाइड और नॉन मेटल, तीनों के तीनों एलिमेंट्स ग्रुप 3 ए के अंदर हमें मिलते हैं, जिसे हम 13 ग्रुप भी कहते हैं, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। इसके अंदर जो बोरान होता है ये एक नॉन मेटल है, एल्यूमिनियम जो होगा ये मेटलाइड है, गैलियम भी मेटलाइड है, जबकि थेलियम जो होगा ये एक प्योर मेटल है। जस्ट लाइक अगर हम ग्रुप 4 के अंदर चले जाते हैं तब भी कार्बन और सिलिकॉन नॉन मेटल है, जर्मीनियम और टिन जो है ये मेटलाइड है, जबकि लेड जो होगा ये मेटल है। तो हम कह सकते हैं कि मेटैलिक करैक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ग्रुप नंबर 5A या 15 ग्रुप के अंदर अगर हम जाते हैं तो ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ है। नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों नॉन मेटल है, नाइट्रोजन गैस है जबकि फास्फोरस जो है वो सॉलिड है। आर्सेनिक और एंटीमनी जो है ये मेटलाइड करैक्टर रखते हैं, जबकि बिस्मिथ जो होगी ये प्योर मेटल है।
अगर ग्रुप सिक्स के अंदर हम जाते हैं या ग्रुप 16 के अंदर हम मूव करते हैं तो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलीनियम और पोलीनियम है। ऑक्सीजन इज ए नॉन मेटल, सल्फर इज ए नॉन मेटल, ये गैस, ये सॉलिड, सिलीनियम और टेलीनियम जो होते हैं ये मेटलॉइड हैं, जबकि पोलीनियम जो होगा ये प्योर मेटल है। इसी तरीके से अगर हम ग्रुप 7A के अंदर जाते हैं तो हमारे पूरे पीरियडिक टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा जो नॉन मेटालिक ग्रुप है वो ग्रुप 7A है। तो 7A में फ्लोरीन पूरे पीरियडिक टेबल में सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक करैक्टर जो शो करता है वो फ्लोरीन है, और सबसे ज़्यादा मेटालिक करैक्टर जो शो करता है वो सीजियम है। अगर आप टॉप से बॉटम की तरफ जाएँ तो इसके अंदर भी मेटालिक करैक्टर आना शुरू हो जाता है, जैसे फ्लोरीन नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, ब्रोमीन नॉन मेटल, लेकिन आयोडीन के अंदर मेटालिक करैक्टर पाया जाता है, लाइटली मेटालिक करैक्टर पाया जाता है। मेटल की बहुत सारी खसूसियात होती हैं, उनमें से एक मेटल की एक खसूसियात जो है उसे हम मेटालिक लस्टर कहते हैं। मेटालिक लस्टर क्या होता है, अगर किसी भी मेटल को अचानक काटा जाए, यहाँ से अगर मेटल हमारे पास है इसको हम अचानक काटते हैं तो रोशनी जब इसके साथ आके टकराती है तो शाइनिंग सरफेस पैदा होती है, तो आयोडीन के अंदर ये करैक्टर पाया जाता है और ये मेटल की खसूसियात है, इसलिए हम कहते हैं कि आयोडीन शो मेटालिक करैक्टर। तो फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन भी गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन जो होता है वो सॉलिड है, तो इसके अंदर मेटालिक लस्टर पाई जाती है। ड्यू टू दिस रीजन आयोडीन शो मेटालिक करैक्टर। जबकि नोबल गैसेस जो होती हैं ये भी प्योर नॉन मेटल है, तो इनका भी ये सारे के सारा ग्रुप जो होगा वो नॉन मेटल है। ये हमारे पास पीरियडिक टेबल है, अगर हम इसे देखते हैं तो मेटालिक करैक्टर टॉप से बॉटम की तरफ इंक्रीज होता है, नॉन मेटालिक करैक्टर जो होगा वो लेफ्ट टू राइट की तरफ। अब इसे हम डिस्कस करते हैं इन पीरियड के अंदर। तो ये हमारे पास सेकंड पीरियड है, जो फर्स्ट पीरियड के दोनों एलिमेंट्स होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों नॉन मेटल है। सेकंड पीरियड के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स पाए जाते हैं इनको आपने याद रखना है, लिसन बीबीसी न्यूज, लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। तो लेफ्ट टू राइट की तरफ अगर आप मूव करते हैं तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान है। लिथियम जो है वो एक मेटल है, ब्रिलियम जो होता है ये भी मेटल है, बोरान जो होगा इसके अंदर मेटलाइड करैक्टर यानी नॉन मेटालिक करैक्टर आना शुरू हो जाता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये सारे के सारे नॉन मेटल है। और इस तरीके से अगर हम देखना चाहते हैं तो कार्बन से ज़्यादा मेटालिक करैक्टर नाइट्रोजन का होगा, उससे ज़्यादा नॉन मेटालिक करैक्टर ऑक्सीजन का होगा, उससे ज़्यादा फ्लोरीन का होगा। तो लेफ्ट टू राइट की तरफ जब हम मूव करते हैं तो नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होता है। कौन एलिमेंट ज़्यादा नॉन मेटल होगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इन चारों में से अगर क्वेश्चन आता है कि विच एलिमेंट इज ए मोर नॉन मेटालिक, तो हम कहेंगे फ्लोरीन, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन तीनों से ज़्यादा है। कौन ज़्यादा मेटल होता है, तो जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है वो हमारे पास नॉन मेटल होता है। वो हमारे नाम आप तक पहुँचा दिया।